पंड्या स्टोर एक पारिवारिक ड्रामा है जिसकी कहानी चार पंड्या भाइयों शिवा, देव, कृष्ण और गौतम के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी उनके आपसी रिश्तों, प्यार, करियर और जिंदगी की चुनौतियों को बयां करती है। पारिवारिक ड्रामे के कुछ पहलू इस प्रकार हैं। संयुक्त परिवार की उथल पुथल। कहानी की शुरुआत में चारों भाई मिलजुल कर पंड्या स्टोर चलाते हैं। उनकी माँ जीजी उन सब की रीढ़ होती है जो घर को संभालती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पारिवारिक कलह, गलत फहमियाँ और व्यक्तिगत ख्वाहिशें सामने आती हैं, जिससे परिवार में तनाव पैदा हो जाता है। प्यार और रिश्ते। कहानी में हर भाई के प्यार की कहानी भी है। शिवा और धरा की कहानी प्रमुख है। उन्हें शादी के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक दबाव, सामाजिक रूढ़ियाँ और गलत फहमियाँ शामिल हैं। वहीं दूसरे भाई देव, कृष्ण और गौतम के भी अपने अपने प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं। त्याग और संघर्ष। कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे पंड्या भाई अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए त्याग करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। खासकर धरा, जो इस परिवार को एकजुट रखने के लिए काफी मेहनत करती है। दूसरी पीढ़ी की कहानी। नए सीजन में अब कहानी दूसरे मोड़ पर आ गई है। पहली पीढ़ी के बच्चों की कहानी शुरू हो चुकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बच्चे अपने माता पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं और उनके सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं। ये तो सिर्फ कुछ पहलू हैं। पंड्या स्टोर में इसके अलावा भी कई सारे उतार चढ़ाव, षड्यंत्र और भावनात्मक पल आते हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। कुल मिलाकर पंड्या स्टोर एक भारतीय परिवार के दुख सुख, उम्मीदों और सपनों को दर्शाता है। यह सीरियल यह बताता है कि कैसे प्यार, विश्वास और त्याग के साथ परिवार के बंधन को मजबूत बनाया जा सकता है। प्रेम कहानियाँ। कहानी में हर भाई की अपनी प्रेम कहानी है। इन प्रेम कहानियों में प्यार के साथ साथ शादी को लेकर होने वाले उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। यह संक्षिप्त विवरण है। पंड्या स्टोर में इससे कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव और दिलचस्प कहानियाँ मौजूद हैं। अगर आप पारिवारिक रिश्तों और उलझनों को पसंद करते हैं तो ये सीरियल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।